एम बैक विद अ न्यू वीडियो। सो ये वीडियो मेरा छोटे छोटे भाई लोगों ने सोचा कि शायद मैं इस टॉपिक के ऊपर कवर नहीं करने वाला, बट मैं बता दूँ कि ठीक है, तुम लोग सिर्फ पांच हो, बट पांचों मेरे सब्सक्राइबर हो, पांचों मेरे भाई हो, एंड इट इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं तुम सबको ये गाइड करूँ और रॉन्ग डायरेक्शन से बचाऊँ। सो इस वीडियो में शायद मैं सब क्वेश्चन एंड आंसर्स कवर करने वाला हूँ, दैट डज बियर्ड ऑयल वर्क, 2000 का बियर्ड ऑयल सिर्फ 60 ml का मेरा ले लूँ क्या, 500 का ऊपर प्राइस है ले लूँ क्या, कोई कुछ काम करता है कि नहीं। देखो, बियर्ड ऑयल बियर्ड ग्रो करने के लिए नहीं होता, ये मिथ है, ठीक है। बियर्ड ऑयल बियर्ड ग्रो करने के लिए नहीं होता, बियर्ड ऑयल इज ओनली फॉर मॉइस्चराइजिंग योर बियर्ड। या सो बियर्ड ऑयल इज ओनली फॉर मॉइस्चराइजिंग योर बियर्ड। अब बहुत जन मुझे पूछ रहा था कि तो भैया बियर्ड ग्रो कैसे करे, मेरा बियर्ड नहीं आ रहा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट डिपेंड्स अपॉन मेनी थिंग्स, मेनली अगर मैं सबसे पहले बात करूँ तो जेनेटिक्स में अगर मैं अपना बात कहूँ, सो मेरा फादर का फैमिली में किसी का मेरा जैसा बियर्ड नहीं है, बट मेरा मेटरनल फैमिली में यस, मेरा कजिन्स का थोड़ा बहुत बियर्ड है, बट मतलब व्हेन आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड एट दैट टाइम आई वांटेड अ गुड बियर्ड। सो उस टाइम से मैंने सोचा था कि शेव करने से बियर्ड निकलता है, लेकिन एवरीथिंग इज अ मिथ, ऐसा कुछ नहीं है। I'll show you the exact process. That how to grow beard. First of all, to grow beard, you must be मतलब तुम्हारा genetically थोड़ा बहुत वो उसको क्या बोलते हैं, लोम जिसको बोलते हैं ना, मतलब थोड़ा बहुत feathers तो oh God shit, मैंने क्या बोल दिया, feathers बोल दिया मैंने, थोड़ा बहुत beard रहना चाहिए। It is not beard, patchy हो चलेगा, थोड़ा बहुत हो तब भी चलेगा, मतलब उस हिसाब से it is confirmed that you have beard in your genetics. अब beard को grow कैसे करें? फर्स्ट ऑफ ऑल डो नॉट शेव वेरी ऑफन, बिकॉज बहुत जन शेव करता है, भाई शेव कर दोगे तो निकलेगा कैसे, यू नो। एंड दिस बियर्ड, इसके पीछे थोड़ा बहुत केयर भी इंक्लूडेड है, विच यू कैन डू एट होम ओनली। तो बियर्ड ऑयल अगर आप चाहते हो तो दो तीन महीना का बियर्ड ऑयल आई कैन जस्ट मेक इन ऑलमोस्ट अबाउट 100 rupees, नॉट मोर देन दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल गेट योर सेल्फ अ कैस्टर ऑयल फ्रॉम अ लोकल केमिस्ट शॉप, इट विल कॉस्ट यू अराउंड 50 to 100 rupees डिपेंडिंग अपॉन द क्वान्टिटी दैट यू टेक। टेक सम विटामिन ई कैप्सूल्स 400 power, जो कि ग्रीन कलर का रहता है, ठीक है, उसको कट कर एक टेबलस्पून कैस्टर ऑयल लो, एक विटामिन ई 400 का कैप्सूल को कट करो और उसमें पंक्चर कर दो, एंड ऐड अ टेबलस्पून ऑफ कोकोनट ऑयल इन इट, उसको मिक्स करो एक सेकंड। यस, एक भैया बुला रहा था कुछ पर्पज से। हाँ, तो जो मैं बोल रहा था, फर्स्ट ऑफ ऑल मिक्स 1 tablespoon ऑफ कैस्टर ऑयल, 1 tablespoon ऑफ कोकोनट ऑयल एंड अ विटामिन ई 400 कैप्सूल टुगेदर, उसको अच्छे तरह से स्टेयर करो एंड अप्लाई इट इन टू फिंगर्स एंड अप्लाई इन योर बियर्ड, उसको ओवरनाइट तक छोड़ दो, ठीक है। यू कैन ऑल्सो डू इट विथ योर हेयर्स ऑल्सो, सो उससे क्या ग्रोथ बढ़ता है और मॉइस्चराइजेशन अच्छा आता है, थिक होता है, घना होता है, बहुत अच्छा लगता है। एंड जस्ट मेंटेन इट, कीप वेल ग्रूम्ड योर सेल्फ, नेक बियर्ड नहीं रहना चाहिए, इट लुक्स वेरी अनटाइडी, वेरी शैबी, ठीक है, एकदम पूरा एकदम परमेश वर्मा जैसा स्टाइल बनाओ, जैसा तुम्हारा बियर्ड है, पैची बियर्ड है सामने आ रहा तो इसका शेप करो। डिस्कवर योर स्टाइल, गूगल से देखो व्हाट इज विच बियर्ड शूट्स अकॉर्डिंग टू योर फेस शेप, थोड़ा तो इतना पब्लिक देखते हो तुम लोग इंटरनेट पे, आज सबके पास इंटरनेट है, तो जस्ट डिस्कवर योर बियर्ड स्टाइल दैट तुम्हारा कितना बियर्ड है, डिपेंडिंग अपॉन द ग्रोथ, द क्वांटिटी, द टाइम दैट योर बियर्ड टेक्स टू ग्रो। लाइक ये जो क्वांटिटी है अमाउंट, ये बियर्ड मेरा ग्रो होने में ऑलमोस्ट लगा, प्रोबेबली अगर मैं बताऊँ, मतलब ये वाला पार्ट जो है ऑलमोस्ट अ मंथ, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। सो अपना ग्रो एक दो बार ट्रिम करो या फिर शेव करो या फिर मतलब अपना ग्रोथ का जो टाइम है, स्पीड है, वो आप लोग डिस्कवर करो अपने आप से, और क्या आपके फेस पे शूट कर रहा, जस्ट डिस्कवर दैट स्टाइल। सो गेट अकॉर्डिंग टू दैट एंड यू आर रेडी टू रॉक। सो गिव इट अ लाइक और उसको ट्राई करना, एंड आई प्रॉमिस यू, देखो ओवरनाइट नहीं होगा, बट आई प्रॉमिस यू दैट इन द लॉन्ग टर्म इट विल हेल्प यू। 6 महीना प्रोसेस का कंटिन्यू करो, आई प्रॉमिस यू विल गेट रिजल्ट्स। चलो बाय बाय।